वालेकुम डियर स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर मोहम्मद जफर इकबाल फैकल्टी ऑफ एजुकेशन लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ आज का प्रोग्राम कोर्स कोड 6407 क्लासरूम असेसमेंट से मुतल है और आज के प्रोग्राम में हम यूनिट नंबर टू से ब्लूम टेक्सोनोमी के ऊपर बात करेंगे इस पर मज़ीद बात करने से पहले जो मैं आपको थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड बता दूँ अगर हमने कोई करिकुलम बनाना हो तो उसके लिए भी हमें ऑबजेक्टिवस लिखने पड़ते हैं अगर टेस्ट डिवेलप करना है तो उसके आइटम्स हमें डिसाइड करने पड़ते हैं कि वो किन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करेंगे और इसी तरह अगर हमने टीचिंग करनी है तो टीचिंग करने के भी हम जब ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं तो हम तय करते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव्स किन लेवल्स को मीट करते हैं कॉग्निशन के तो आज हमारी खुशकस्मती है हमारे साथ डॉक्टर जहीर अहमद मौजूद हैं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से सर आपको प्रोग्राम में वेलकम आई होप के आज की डिस्कशन से स्टूडेंट्स को ब्लूम टेक्सोनोमी के हवाले से काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी इनशाला तो मेरा पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये है कि ये ब्लूम्स टेक्सोनोमी में टेक्सोनोमी क्या है और ब्लूम क्या है ब्लूम कोई चीज़ नाम उन्होंने दे दिया है एकम है या किसी बंदे का नाम है ब्लूम जो है ये नाम है बेंजमिन ब्लूम जो है जिन्होंने टिकसोनोमी को डिस्कवर इन्वेंट किया है ओके बनाया जो है और ये उन्नीस में 1956 में इन्होंने बनाई है टक्सोनोमी जो है ये वर्ड निकला है टैक्सिस ग्रीक वर्ड है टैक्सिस और जो है नोमोस टैक्सिस का मतलब जो है अरेंजमेंट है और नोमोस का मतलब साइंस है तो साइंस ऑफ अरेंजमेंट से ये निकला है इसका मतलब ये है कि एक सेट ऑफ अरेंजमेंट्स जो हैं जो सिस्टमेटिक हैं हरार्किकल इन ऑर्डर में हैं तो जो ब्लूम टक्सोनोमी है वो हेरिकी इन ऑर्डर में है यानी छोटा लेवल है फिर उससे बड़ा लेवल है फिर उससे बड़ा लेवल, है, उससे बड़ा लेवल है, इस तरह है इसके सिक्स लेवल हैं तो एजुकेशन ऑबजेक्टिव को जो हम बेसिकली तीन डोमेन्स में हम इसको डिवाइड करते हैं एक कोगनेटिव है डोमेन मीन मैदान जो है कोगनेटिव डोमेन है एक जो है वो इफेक्टिव डोमेन है और एक साइकोमोटर डोमेन है यानी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हम बेसिकली तीन तरीके से डिवीजन कर देते हैं कोगनेटिव लेवल और और फिर साइको मोटर लेवल तो ये जो बलूम है ये लेवल पे है या तीनों लेवल्स बलूम नहीं दिए हैं तीनों ये जो बलूम ने कोगनेटिव लेवल पे ज्यादा काम किया है और उसका जो है और जो इफेक्टिव डोमेन है उस पर ज्यादा काम जो है वो रिथवॉल का है जिसने जो इफेक्टिव डोमेन बनाई है और मो... जो साइको मोटर डोमेन जो है सिमसन ने बनाई है जो है ओके बलूम ने ये पेश की थी नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में बलूम टेक्सकोनोमी उसके बाद रिथवॉल ने नाइनटीन सिक्सटी फोर में ये पेश की थी एफेक्टिव डोमेन और सिमसन ने 1972 में पेश की थी साइकोमेटो डोमेन डॉक्टर साहब वैसे हमने ब्लूम को तो आज डिस्कस करना ही है तो ये कागनेटिव के अलावा जो दो ले, लेवल आपने बताए हैं वो जरा इसको भी एक स्टूडेंट्स के लिए बता के जो है ना ताल्लुक जो है ना वो हार्ट के साथ है okay. ये एटीट्यूड्स जो है हमारी जो है वो बिलीव्स जो हैं और हमारी जो है वो यानी कहना चाहिए फीलिंग्स वगैरह के साथ इसका ताल्लुक है इसके पांच लेवल्स हैं जो है सबसे पहला रिसीविंग है फिर रिस्पोंडिंग है फिर वैल्यूइंग है फिर ऑर्गेनाइजिंग है और फिर करेक्टराइजेशन है ओके okay. और इसी तरह साइक्रोमोटर साइक्रोमोटर डोमेन है उसके जो है सेवन लेवल्स हैं सिमसन ने इसको पेश किया था उसके सबसे पहले परसेप्शन है नंबर टू पे सेट है नंबर थ्री पे गाइडेड रिस्पॉन्स है नंबर फोर पे मैकेनिज्म है नंबर फाइव पे कॉम्प्लेक्स वर्ड रिस्पॉन्स है नंबर सिक्स पे एडेप्टेसन है और नंबर सेवन पे ओरिजिनेशन है ओके डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है कि हम इन लेवल्स को ये जो साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे तो आज हमें ब्लूम के हवाले से बताएं कि ब्लूम के जो आपने शुरू में बताया कि कुछ लेवल्स हैं जो लो लेवल्स हैं फिर हाई लेवल्स हैं फिर हाई लेवल्स हैं स्ट्रक्चर्ड है ये क्या है ये कौन से लेवल्स थी फिफ्टी सिक्स से पहले ऑब्जेक्टिव तो थे लेकिन उनका कोई लेवल्स नहीं था Okay. तो इसलिए हमें ये क्लियर नहीं होता था कि ये इस लर्निंग का या इस एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का क्या लेवल है लेवल हाई है, है या लो ऑर्डर है या हाई हाई ऑर्डर है तो नाइनटीन हाँ, हाँ तो तो में सबसे पहले जो है ब्लूम ने उनके एसोसिएट्स ने ये काम किया तो कोकनेटिव डोमेन को यानी वखूफी मैदान को उन्होंने सिक्स डोमेन लेवल्स में तकसीम किया सबसे पहला लेवल जो है जो सबसे हल्का लेवल है सबसे छोटा लेवल है वो नॉलेज है उसके बाद नंबर टू पे कंप्रीहेंशन है नंबर थ्री पे एप्लीकेशन है नंबर फोर पे एनालिसिस है नंबर फाइव पे सिंथेसिस है और नंबर सिक्स पे वैल्यूशन है तो ये डॉक्टर साहब वैसे इनकी डिटेल जानने से पहले मैं एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा था कि ये जो लेवल्स हैं ये सिक्वेंशल हैं या इनमें भी कोई हम डायरेक्ट जैसे आपने एप्लीकेशन की बात की तो विदाउट नोइंग अबाउट सर्टन थिंग कैन वी अप्लाई दैट थिंग नहीं आप बड़ा अच्छा सवाल आपका माशाल्लाह एक लेवल को अचीव किए बग़ैर आप नेक्स्ट उसके लेवल पे नहीं जा सकते ओके okay. तो ये लेवल हर आर्टिकल हैं नॉलेज और इसी तरह जो है अगर आपने दूसरा लेवल यानी कंप्रीहेंशन अचीव कर लिया है तो ऐटोमेटिकली कि आपने नॉलेज भी अचीव कर लिया है किसी okay. चीज़ का अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हम उसके बारे में कंप्रीहेंशन हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती जो है ओके इसी तरह सिक्स लेवल जो अवेल्यूशन है तो अगर हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते हम उसको एनालाइज नहीं कर सकते तो इट्स डिफिकल्ट फॉर अस टू एवेलुएट सर्टन फिनोमिना और थिंग ओके डॉक्टर साहब ये स्टूडेंट्स के लिए समझ आ गया कि ये हेरार्कल हैं इनमें गैप नहीं है हम जंप ओवर नहीं कर सकते वर्टिकल अंदाज में जो है लोअर टू टू हायर हायर ऑर्डर मूव करना थीके? है तो डॉक्टर साहब ये जरा बताएं नॉलेज लेवल से क्या मुराद है और इसकी थोड़ी सी डिटेल नॉलेज में हम जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें सिंपली स्टूडेंट से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन को एज इट इज रिप्रोड्यूस करेगा जो तो तो है रिकॉल करता है रिकॉल करता है वो रिस्टेट करता है जो है वो आइडेंटिफाई करता है जो है और इन्हीं इस अंदाज में जो है मसलन जो है वो डिफाइन करता है वो डिफाइन सेल डिफरेंशिएट डिफाइन डेमोक्रेसी जो है ठीक है डिफाइन द जो हमारे क्वेश्चन हैं जो टेस्ट में आते हैं उसमें अगर लिखा हो टू डिफाइन सर्टन टर्म इट मीन्स दैट क्वेश्चन इज बेसिकली ऑफ नॉलेज लेवल या अगर इस तरह लिखा हो जैसे आपने बताया कि आइडेंटिफाई करना है तो अगर उसने इन लिस्ट करना है कुछ चार चीज़ों को नाम सिर्फ लिख देने हैं या आइडेंटिफाई करनी है चार चीज़ों में से कुछ चीज़ सेलेक्ट करनी है तो वो नॉलेज लेवल तो की नॉलेज लेवल पे आएगा जो ओके तो नेक्स्ट चाहे वो सारी बुक रिप्रोड्यूस कर दे जो है पूरी की पूरी बुक जो है लर्न करना डिफ़िकल्ट होता है लेकिन वो सारी की सारी बुक रिप्रोड्यूस कर देगा तब भी वो नॉलेज लेवल ही शुमार होगा तो बेसिकली ये मेमोरी के साथ आपकी आप जो आपने रट्टा लगाया हुआ है याद किया हुआ उसको आप रिप्रोड्यूस कर दें सवाल के अंदर जो जवाब आप लिख रहे हैं तो वो नॉलेज लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा ओके okay. मेरे ख्याल में ज़्यादातर सवाल तो फिर नॉलेज लेवल के वो एमसीक्यूज सी क्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन बनते होंगे जी ज़्यादातर होते हैं लेकिन उसमें कम्प्रीहेंशन के सवाल भी शामिल होते हैं ओके okay. ये कम्परीहेंशन से क्या है कम्प्रीहेंशन दूसरा लेवल है जो है इसमें नॉलेज के साथ आपने जो है अपने अपने अल्फाज में भी इसको लिखना होता है अपने रिफ्रेज करना, करना होता है अपने ट्रांसलेट करना होता है अपने डिफ्रेंश करना होता है ओके मसलन पहला अगर सवाल है डिफाइन डेमोक्रेसी या डिफाइन ऑटोक्रेसी जो है तो इसमें जो है हम करते हैं बिटवीन डेमोक्रेसी जो है डेमोक्रेसीट का वर्ब हम एक्शन वर्ब अगर डिफरेंशियट का होगा तो या डिफरेंस हम... जो है या रिफ्रेस करें जो है ठीक है या या इन योर ओन वर्ड या ट्रांसलेट करें अगर इस तरह के आएंगे तो वो जो है कम्प्रीहेंशन का सवाल होगा अंडरस्टैंडिंग का सवाल होगा जो ओके थर्ड लेवल क्या है डॉक्टर साहब थर्ड लेवल एप्लीकेशन है अच्छा नॉलेज एप्लीकेशन और उसके बाद ये हायर ऑर्डर में हम जा जा रहे रहे हैं हैं हायर ऑर्डर में में ओके एप्लीकेशन हम स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो लर्नड इंफॉर्मेशन है उसको वो उसी सेटिंग में या किसी और सेटिंग में वो अप्लाई करता है ओके मिसाल के तौर पर आपने जो है उसे कंप्यूटर पे टाइपिंग सिखाई है तो अगर कंप्यूटर पे टाइपिंग के जरिए से जो है वो अपना और आपने जैसे बायोडाटा टाइप करना सिखाया है तो वो अपना सीवी अगर जनरेट कर लेता है इसका मतलब ये है कि उसने एप्लीकेशन उस इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन कर ली है जो है यानी अगर आपके पास नॉलेज है कंप्रीहेंशन है रूल्स आपको पता हैं प्रिंसिपल्स आपको पता हैं और आप उनको किसी नई सिचुएशन में या सिमिलर सिचुएशन में अप्लाई, अप्लाई करके कर देखते हैं या कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो कॉग्नेशन है वो एप्लीकेशन लेवल की है जी बिल्कुल यू हैव टॉट देम द रूल्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन

उन डिफरेंट कंपोनेंट्स का हर कंपोनेंट से दूसरे से ताल्लुक और हर कंपोनेंट का मेन जो एस्पेक्ट है चीज़ है उससे ताल्लुक़ को जो है वो एनालाइज करता है तो वो एनालिसिस में आता है इसकी फिर ऐसे मुझे समझ आ रही है कि जैसे अगर कोई प्रोडक्ट है तैयार हुई जिसमें कई मसलन कार है एक गाड़ी है उसके मुख्तफ पुरजे कर दिए जाएँ जी और उन पुरों को गाड़ी को अगर अंडरस्टैंड करना है जी। या उसका कॉन्सेप्ट सीखना है तो हमने पहले उसके जो पार्ट्स हैं उनको अलग अलग करके सीखा कि वो क्या हैं और उनको फिर होल करके जी आ, बिल्कुल ब्रेकडाउन बिल्कुल आपने सही कहा जो है ब्रेकडाउन करते हैं एक होल को जैसे कंप्यूटर है तो माउस का फंक्शन जो है सीपीयू का फंक्शन जो है मॉनिटर का फंक्शन जो है स्क्रीन का फंक्शन जो है इन सब को अलग अलग करके एक दूसरे से इनका ताल्लुक जो है और पूरे कंप्यूटर के साथ इनका ताल्लुक जो है उसको जो है वो अगर न, कर सकता है उसको वाजे कर सकता है एक्सप्लेन कर सकता है तो ये उसने एनालिसिस का जो है बेसिकली पार्ट्स में हम आ, किसी चीज़ को पार्ट्स में आ, करके उसका एनालिसिस करेंगे और उसको होल के साथ रिलेशनशिप हाँ देखेंगे इसी तरह पाकिस्तान क्या में पाकिस्तान की जो है वो वजूहत वगैरह के ऊपर जो है इस तरह के सवाल आते हैं अगर वो बुक में नहीं दिया हुआ और बच्चा अपने तरफ से उसको एनालाइज करता है कि ये ये फैक्टर्स है जो है फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करता है अलग अलग करता है जो है फिर उनका आपस में तल्लुक जो है और एज ए होल के साथ ताल्लुक जो है वाजे करता है तो वो एनालिसिस में आएगा जो है सही है यानी किसी भी आस्पेक्ट के ऊपर अगर उसके मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए जाए या सेपरेट कर लिए जाए फिर उन आस्पेक्ट्स का आपस में रिलेशनशिप और होल के साथ रिलेशनशिप अगर वो बिल्ड है। करता है तो फिर इसको हम कॉग्नेटिव इसी, इसी तरह एक तो उसमें से वर्ब अगर बच्चों को हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए हैं तो वो एनलाइज कर लेता है कि दिस इज़ आर्टिकल जो है दिस इज़ वर्ब जो है दिस इज़ प्रोनाउन दिस इज नाउन दिस इज़ प्रपोजिशन जो है दिस इज कंजक्शन जो है इस तरह वो कर लेता है इसका मतलब ये है कि ही हैज़ गॉट द एबिलिटी इन दिस एस्पेक्ट इन दिस रिगार्ड इन दिस कॉन्सेप्ट है ही हैज गॉट द एबिलिटी ऑफ एनालाइजिंग थिंग्स इसका कोई क्वेश्चन और जो एजुकेशनल आपके कोई स्टूडेंट्स के लिए जिसमें हम एनालिसिस का कोई और सवाल जो लिखा हुआ पेपर में दे सकें टीचर्स के लिए भी किस किस किस्मतमून की आप बात कर रहे हैं मतलब जो है फॉर एग्जाम्पल असेसमेंट की बात है तो एनालाइज़ द फैक्टर्स दैट रिजल्ट इन स्टूडेंट्स फेलियर्स ओके एनालिसिस ऑफ फैक्टर्स स्टूडेंट्स फेलियर में जो फैक्टर्स

तो डिवेलपिंग रिसर्च प्रपोजल डेवलप करना जो है वो सिंथेसिस में आएगा जो है मुख्तु कंपोनेंट्स को हम मर्ज करके एक होल बनाते हैं एक नई चीज़ बनाते हैं तो वो सिंथेसिस में आएगा जो है बेसिकली पार्ट्स को is, करके एनालिसिस जो है पार्टी okay. में मेन चीज़ को हम सेपरेट करते हैं हैंट करते हैं पार्ट्स को इसमें हम पार्ट्स को जैसे टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स हैं सर्च क्वेश्चंस हैं इन सब को हम इकट्ठा करके एक रिसर्च प्रपोजल की शक्ल देते हैं तो ये है हमारा सिंथेसिस में आएगा जो है यानी अगर आप होल बना रहे हैं जी होल बना रहे हैं जो तो है बना, रहे हैं तो आप, आप... कोई कम्पोजिशन बनाई है जो कोई नई चीज़ ड्रॉ की है जो है कोई नई पेंटिंग बनाई है इस तरह डिफरेंट चीजों को मिला के जो है तो वो आप इसको सिंथेसिस में आ रहे हैं जो है सही है और इसके बाद डॉक्टर साहब कोई ये तो पाँच हो गई हैं आपने छ बताई छठी क्या है जो स्टडी हमारी एवेल्यूशन है जो है ओके okay. ये इट इज़ द मोस्ट हाईएस्ट लेवल जो है एवेल्यूशन में हम बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इतना उससे नॉलेज आ गया है कि अब वो उसकी उस कंपोनेंट की उस जो है एस्पेक्ट की उस डोमेन में वो जायजा भी ले सकता है यानी एवेल्यूशन भी कर सकता है ओके okay. तो अगर जो है उसको पेपर उसके सामने रखा जाए तो उसको वो यानी एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे वैल्यू जजमेंट दे कि ये पेपर एग्ज़ाम में पेश होने के लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है इस क्या ये ग्रामेटिकली क्या ये फॉर्मेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या ये लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो डोमेन है लर्निंग की उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है और असेसमेंट के रूल्स के मुताबिक ये पेपर सही बना हुआ है कि नहीं सही बना तो इसका वो जायजा लेके इसको एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है ये उसमें पावर आ जाती है तो वो एवोल्यूशन की स्टेज पर पहुँच जाता है सही है तो डॉक्टर साहब जैसे यूजली जो देखा गया है उसमें तो ये है कि जो हम टेस्ट लोअर ऑर्डर लेवल पे बनाते हैं लाइक नाइन्थ ग्रेड तक या टेंथ ग्रेड तक उसमें हम नॉलेज को ज़्यादा फोकस करते हैं या अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन तक आ, मैंने बड़े कम सवाल देखे हैं जो एनालिसिस सेंथिसिस और वेल्यूशन तक जाते हैं तो ये ये जो क्या हम ये कहें कि ये जो पहली तीन आ, इसके जो आस्पेक्ट्स हैं नॉलेज कंप्रीहेंशन और एप्लीकेशन ये ज़्यादातर लोअर ग्रेड्स के लिए है और जो बाकी तीन आपने बताए हैं एनालिसिस सिंथेसिस और वैल्यूशन वो हायर ग्रेड्स के लिए हैं या ये मिक्स भी, भी हो सकते हैं ये मिक्स भी हो सकते हैं ज़रूरी नहीं है इट डिपेंड्स के आप किस तरह इसको इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे जो लोअर ऑर्डर में नॉलेज कम्परी आते हैं और एप्लीकेशन एनालिसिस वैल्यूशन जो है वो हायर ऑर्डर में आते हैं ये आप इवन क्लास टू थ्री में भी जो है ना हायर आर्डर के क्वेश्चंस डाल सकते हैं okay. और इवन बहुत लोग जो है पी एच लेवल पे भी जो है ना वो नॉलेज कंपनी के सवाल ही डालते हैं इट डिपेंड्स अपॉन द कैपेबिलिटी जो है आपने किस तरह पढ़ाया है किस आपने जब आपने पढ़ाया है वैन जो हैव टॉट जो है तो आपने किस हद हाँ तक वो ऑब्जेक्टिव हायर आर्डर के आपने अचीव किए हैं अगर आपकी टीचिंग में एनालिसिस एप्लीकेशन सिंथेसिस वैल्यूशन वगैरह आई हैं तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स से कि उनके असेसमेंट में भी जो है उनकी उन चीज़ों को गेज किया जाए उनको मैयर किया जाए तो आप उस तरह के सवाल बनाएंगे लेकिन अगर आपने हम, हमने अगर टीचिंग ही अपनी नॉलेज लेवल पर कंप्रहेंशन लेवल पर रखी है इससे आदि हमने मिसालें नहीं दी हैं तो फिर ज़हर है कि हमारे असेसमेंट के क्वेश्चन भी नॉर्मली उसी रेंज में रहते हैं तो ये डिपेंड्स अपॉन द टीचर जो है हमें चाहिए वैसे ये कि हम बैलेंस रखें और हम हाई राइट क्वेश्चन को भी उतना वेटेज दें जितना उनका ड्यू वेटेज बनता है सही है अच्छा डॉक्टर साहब ये अभी रिसेंट मुझे पता चला कि न्यू बलूम टोमी भी आ गई हाँ जी आ, ये न्यू और ओल्ड और... रिवाइज का वर्ड अगर यूज़ करेंगे तो अच्छा ज़्यादा प्रॉपर होगा कि रिवाइज आइए एंडरसन ने और जो है रथवॉल ने 2001 में पेश की है न्यू टेक्सोनोमी जो है इसमें एक तो उन्होंने नाउन्स की बजाय वर्ब्स चूज़ किए हैं मसलन जो है रिमेंबरिंग कंप्रीहडिंग अप्लाइंग एनालाइजिंग एवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग जो है उसमें मेन डिफरेंस ये है कि उन्होंने सिंथेसिस को निकाल दिया है और एवेलेशन का जो छठा लेवल था उसको लेवल नंबर पाँच पे ले गए हैं और एक नया लेवल बनाया है क्रिएशन जो है यानी ये हर हर वो से उनके वर्ब चेंज कर दी है। जी वर्ब चेंज जस... करना तो मेन बात नहीं है उन्होंने के इस लेव... पहले था कि छठे लेवल पे एवल्यूशन था जिसमें वो यह था कि वो एवल्यूट कर सकता हो यानी जज कर सकता हो कि ये इस किसी चीज़ की वर्थ कितनी है, कितनी है।, कितनी है वैल्यू कितनी है लेकिन इससे भी अच्छा अब ये उन्होंने ये किया है कि अब वो क्रिएट कर सकता हो उस फील्ड में डोमेन में जो है वो चीज़ ख़ुद कोई नहीं क्रिएट करे जो है तो वो जो है क्रिएशन में क्रिएटिविटी में जो है वो आएगी जो है मतलब ये वो नया पेपर बजाय इंस्टेड ऑफ के वो एक एक पेपर को वैल्यूएट करता है उसके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करता है ये वैल्यूशन है आ, उसी तरह का उससे अच्छा उन पैरामीटर्स पे फॉलो करता है वह वो नया पेपर बनाता है तो ये क्रिएशन है क्रिएटिविटी है जो है वो नई पेंटिंग बनाता है ये किसी की पेंटिंग को वैल्यूएट करना जो है एज ए जज जो है वो वैल्यूशन है और वो नई पेंटिंग बनाता है जो वो करेक्टरिस्टिक्स को पूरा करती हो ये क्रिएट क्रिएटिविटी है यानी अगर हम ये समझें कि ओल्ड ब्लूम टेक्सानोमी में नॉलेज था पहली जो स्टार्ट था यानी जो लो लोअर ऑर्डर का जो कॉग्निशन हम मैर कर रहे थे तो रिवाइज में हम उसको क्या कहेंगे रिमेंबरिंग रिमेंबरिंग यानी उधर नॉलेज था इधर रिमेंबरिंग और दूसरा उस स्टेज पे कंप्रीहेंशन थी ओल्ड में और रिवाइज में इधर जो है अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग फिर इसी तरह तीसरी जो है उधर थी एप्लीकेशन इधर भी एप्लीकेशन ही है applying, अप्लाइंग है इधर तो उसका है। जो वर्ब है उसको एक्शन वर्ब action की लिख दिया है और उधर था हमारे पास फोर्थ स्टेज पे इधर अनल, है वहां पेन्थेसिस था यहाँ

इवन हमारे स्टूडेंट्स जो रिसर्च के अंदर जो अचीवमेंट टेस्ट डेवलप करते हैं और वो करिकुलम को फॉलो करते हैं तो वो ओल्ड टेक्सानोमी के ऊपर ज़्यादा बने होते हैं ऐसे ही है जो। अभी तक हम नई न्यू या रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सानोमी की तरफ क्यों नहीं आ रहे क्या इसमें कोई आ... एक तो ये है कि जो स्लो प्रोसेस होती है चेंज जो है ना चेंज आ गई है बहुत देर से हमने इसको याद किया लर्न किया जो है न, न, को करिकुलम में जो है इनकॉरपोरेट किया जो है इस तरह असेसमेंट में लेके गए इसको जो है अब इस वो चीज़ें डेवलप होने में इस तरह पाँच दस साल तो लगते हैं जो है ये 2001 में आई है जो है इसको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा जो है और इस तरह दूसरा ये है कि वो जो चेंज आई है वो हायर आर्डर में आई है क्रिएटिविटी का बर्ड क्रिएट क्रिएटिंग आ गया जो है तो पहले भी हम लोग जो थे ना वो एप्लीकेशन एनालिसिस और सिंथेसिस की तरफ ज़्यादा एवलेशन की तरफ ज़्यादा नहीं जा रहे थे ओके okay. तो इसलिए आप क्रिएटिविटी की तरफ एकदम फ़ौरन आना जो है लोगों के लिए इतना पॉसिबल नहीं है मतलब जो है वो टाइम लगेगा तो फिर एक तो तो फोकस किया जाए इसको प्रायोरिटी बनाया जाए तो फिर हम जल्दी से इसको हासिल कर सकते हैं तो आप क्या समझते हैं कि ब्लूम की टेक्सोनोमी से हम कब क्योंकि मार्केट में तो सोलो टेक्सोनी भी आ गई और हमारे पास इफेक्टिव डोमेन भी है हमारे पास साइकोमोटर डोमेन भी है लेकिन हमारा फोकस जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम का स्पेशली पाकिस्तान में टेस्टिंग हो चाहे टीचिंग हो चाहे करिकुलम डेवलपमेंट हो इन तमाम का फोकस बलूम के ऊपर ज़्यादा है हाँ जी। आ, बाकी हम ना हम साइकोमेटर की तरफ जाते हैं उसको मैर करते हैं ना हम इफेक्टिव को मैर करते हैं ना हम सोलो को मैयर करते हैं सोलो so टेक तो ये क्या हम बुलूम के ऊपर क्यों इतने ए, रिस्ट्रिक्ट solo हो गए सोलो वाज टू अल्टरनेट द बलूम टेक्सोनोमी ऑस्ट्रेलिया में शुरू ये गिब्स एंड एसोसिएट्स ने उन्होंने शुरू की है लेकिन जो अभी तक इसको उतनी पसी हासिल नहीं हुई जितनी ब्लूम को है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो, हम जो के है हम चूंकि फॉलो करते हैं जो है ना टेक्निकली एडवास कंट्रीज़ को तो उसमें मोस्टली अभी तक जो है ना वो ब्लूम टक्सोनॉमी चल रही है okay. दूसरा ये कि सोलो की एक ख़ास बात यह है कि ये ऑब्जेक्टिवस डिवेल्प करने के लिए नहीं है क्रिक्लम डिवेल्प करने के लिए नहीं है बल्कि ये जब स्टूडेंट्स पेपर दे देता है तो ये एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये उनके रिस्पॉसिस को मैयर करने के लिए है कि उनके रिस्पॉन्स का क्या लेवल है ना बच्चे का कौन सा स्ट्रक्चर है प्री स्ट्रक्चर है या जो है ना उसको कह, कहना चाहिए मल्टीपल स्ट्रक्चर के उसका जवाब दिया है तो इस तरह अभी उस ये मल्टीपर्पज़ जो, जो है वो नहीं है ये एग्जाम एग्ज़ामिनेशन की टेप्सकॉन इसको सोलो को बेसिकली तो हैं डॉक्टर साहब मेरा ख्याल ये भी है कि ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम सॉरी आपको इंटरप्ट करा दूसरा आपने जो इफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन की बात की है तो हमारे जो एग्जाम्स में जो है वो इफेक्टिव डोमेन को मैयर करने की अभी कोई खास क्योंकि उसका ताल्लुक फीलिंग से है एटीट्यूड से है तो हमारे एग्ज़ाम में अभी तक उसकी प्रोविज़न नहीं है हम उसको मैय नहीं करते पढ़ाते तो हैं हम चीज़ों को जो है बच्चों के अंदर देखना चाहते हैं कि उनके बिहेवियर में चेंज आए जो है उनके अंदर जो है वो अच्छी हैबिट्स है, पैदा हों जो है एटीट्यूड उनका पॉजिटिव डिवेल्प हो डिफरेंट पॉजिटिव चीज़ों के बारे में जो है लेकिन उनके हमारे एग्ज़ाम में ये अभी सिस्टम नहीं है मेकानिज़म नहीं है हमारे एग्ज़ाम में वो बच्चे ज़्यादा अच्छे जो कोगनीटिव को फोकस करते हैं वो ज़्यादा अच्छे नंबर ले जाते हैं जो और यूनिवर्सिटीज़ में मेडिकल्स में और इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूशंस में उनका एडमिशन हो जाता है इसलिए है। हमें दूसरी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है पड़ती जो सही है चलें बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आई थिंक ये हमारा जो पाकिस्तानी सिस्टम है एजुकेशन उसमें ब्लूम से हट के भी हम आगे चलेंगे और किसी दौर में एफेक्टिव साइकोमोटर और सोलो टेक्सानोमी को भी हम पार्ट बनाएंगे अपनी असमेंट का अपनी टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स का और अपने करिकुलम के ऑब्जेक्टिव का बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब डियर स्टूडेंट्स आज हमने कोर्स कोर्स सिक्स फोर जीरो सेवन क्लास रूम असमेंट में यूनिट नंबर टू से ब्लूम टेक्सानोमी के ऊपर डिस्कशन uh, की uh, मैं डॉक्टर जहीर अहमद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला और हमारे स्टूडेंट्स को बड़ी इन्फॉमेशन ब्लूम के हवाले से दी आखिर में ये है कि इस दुआ के साथ मैं इस प्रोग्राम का अख्तजाम करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको तोफीक दे कि आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें अल्लाह हाफ